नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बिहार में शिक्षक की बहाली, जो बीपीएससी को दायित्व मिला हुआ है, 170,461 शिक्षकों की बहाली का। आपको बता दें कि कल से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आपको हम बता दें कि पहले दिन लगभग 500 कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म फिलअप किया है। जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक आपको हम बता दें कि बीपीएससी ने बिहार में 170,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। पहले दिन रात 8 बजे तक 2000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया, वही 500 से अधिक छात्रों ने फॉर्म भर दिया। हालांकि अंतिम रूप से पेमेंट 400 अभ्यर्थियों ने किया है। आपको बता दें कि आप जो एड्रेस दिया हुआ है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई को रखी गई है। 170,461 पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है। इनमें 79,943 प्रारंभिक शिक्षक, 39,916 माध्यमिक शिक्षक और 57,602 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के एक दिन पहले बीपीएससी ने आवेदन से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए थे। इसके मुताबिक अभ्यर्थियों को अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि आवेदन के समय अभ्यर्थी जिन कागजात की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे उसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दें कि कल फॉर्म फिलअप होने का पहला दिन था और 2000 कैंडिडेट्स ने पंजीयन कराया है और 500 ने फॉर्म फिलअप किया और 400 छात्रों ने पेमेंट किया। यानी कहा जाए तो पूर्ण रूप से 400 छात्रों ने आवेदन कर दिया है। आपको बता दें कि दिशा निर्देश जारी किया गया है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले ही फॉर्म फिलअप करते ही आयोग को जमा करना है, देना है और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब होना चाहिए और इसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि आगे कोई भी कार्रवाई होगी तो इनकी ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जल्दी से जल्दी अपने जितने कागजात हैं वो बनवा लें, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जिनके कागजात अभी नहीं मिल पाए हैं, जो कि जाति, आवास और अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके कारण पहले दिन कम फॉर्म फिलअप किया गया। लेकिन आप जल्द से जल्द इनका व्यवस्था कर लें और अच्छे से दिशा निर्देश पढ़ के तब फॉर्म फिलअप करें। साइबर कैफे वालों के भरोसे न छोड़ दें, अपने से बैठ कर फॉर्म फिलअप करें। एक एक बिंदु को जहाँ डाउट हो वहाँ पर उसको क्लियर करें, फॉर्म फिलअप करें। आपको बता दें कि 12 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होना है और फी जो है वो भी 12 जुलाई तक आपको जमा कर देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।